सदियों पहले जब भद्रकाली मंदिर बना, उसके बाद में आधुनिक समय की अगर मैं बात करूं तो कॉरपोरेशन की ओर से इसे भद्र प्लाजा के नाम से डेवलप किया गया। प्राचीन समय में जो चीज़ें थी उसे यथावत रखते हुए तब इस तरह की व्यवस्था थी कि मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं आपको भद्रकाली मंदिर दिखाई दे रहा है, आजम खान सराय जो है उसके अंदर ये मंदिर बना हुआ है और उसके सामने बाग बगीचे हुआ करते थे। ये जो खुला प्रिवाइसिस आपको दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम जो है बाग बगीचे और सैर सपाटे के लिए बने हुए थे और उन बाग बगीचों के साथ साथ अहमदाबाद नगर की जो एक विशेषता है उसके मुताबिक एक चार दीवारी के अंदर एक किला नुमा जो है वो बनाया गया था और उसके अंदर कई दरवाजे बने हुए थे और उसी के अंदर ये शहर जो है वो बसा हुआ था। हैरानी यह है कि अहमदाबाद के सबसे प्राचीन भद्रकाली मंदिर में ऐसा पिछले कुछ सालों से नहीं हो रहा है। यह अन्याय या धर्म है, यहाँ कई सालों से बदस्तूर जारी है और ये खिलवाड़ कोई और नहीं बल्कि सरकार का ही एक महकमा कर रहा है। माँ भद्रकाली प्राचीन मंदिर में आस्था के साथ हो रहे इस खिलवाड़ से मंदिर के ट्रस्टी पुजारी सभी आहत हैं। इस अन्याय के खिलाफ सभी के अंदर गुस्सा और पीड़ा दोनों है, लेकिन समय समय पर इस अधर्म के खिलाफ आवाज उठाने के बावजूद कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे मंदिर का कोई शिखर नहीं है जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे लोग आते हैं, पूछते हैं कि भाई हमें ध्वजा चढ़ानी हो तो कहाँ चढ़ाएंगे, हम ऊपर चले जाते हैं। लोग अपने आप पूछे बिना कहीं कि हमारी ध्वजा ऊपर कहीं पे भी बांध दे, चढ़ के ऊपर जाते हैं मायूस हो जाते हैं क्योंकि ऊपर जो है वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ऑफिस है। मंदिर तो ऑफिस से भी पहले से था, ठीक है, अब ऊपर ऑफिस होने की वजह से आप किसी भी चले जाइए धार्मिक स्थल पर, चाहे वो हिंदू टेम्पल हो, जैन देरासर हो, बुद्धिस्त स्तूपा हो, कहीं भी जूते चप्पल बाहर उतार के जाना पड़ता है। किसी भी मंदिर में आप जूते चप्पल पहन के मंदिर के जहाँ पे आपके इष्ट देव उनके सर के ऊपर कोई जूता चप्पल पहन के जाता है तो ऊपर ऑफिस है, ठीक है, उनका मैं दोष नहीं निकाल रहा हूँ, वो तो कर्मचारी है, ठीक है, लेकिन वो तो अपना काम कर रहे हैं, ऊपर जूता चप्पल भी पहन रहे हैं के घूम रहे हैं मंदिर के ठीक ऊपर, माता जी के ठीक ऊपर, ठीक है, ऊपर टॉयलेट्स है, बाथरूम है, लैट्रिन है, वो भी सब ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। अहमदाबाद के लोगों में भद्रकाली मंदिर को लेकर आस्था का ज्वार कितना है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अहमदाबाद की नगर देवी कहलाने वाली माँ भद्रकाली को लेकर आम लोगों में ये प्रबल आस्था है कि माता के आशीर्वाद से ही अहमदाबाद शहर एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहर बना।